Welcome to all to OneX Smart Class, and here it is. We have a session on recruitment, that is Railway Recruitment Boards तरफ रू जो सब निजुक्ति आसी छी सेटा पैरामेडिकल स्टूडेंट्स मानक पई जो माने अछंती रेलवे रो मध्ये सेपरेट मेडिकल जो टीम काम करछंती सही टीम रे रिक्रूटमेंट रो नोटिफिकेशन आसी छी पिला माने समुदाय 1376 टी पोस्ट बट आई एम नॉट सो एक्साइटेड फॉर दिस नोटिफिकेशन काईक ना एटा समस्त नुहे बट ये मुझे रखी जे रेलवे कहीथिबा कथा रिक्रुटमेंट बाबद से जहाँ भी कही सब एपर्तंत मेन्टेन हो देखु ये समस्ते कौटी ना कौटी आम को गोटे भल न्यूज दौंट समस्ते बाबद इनफर्मेसन रखा कथा एलपी जनवरी मार्च सुधा जो सब डिक्लेरेशन दरकार से सारी टेक्नीशियन हो सारी आमे जो पीरियड रे अछु आउ आमे ए जगार अछु पिला देखो पारामेडिकल कैटेगरीज जूनियर इंजीनियर रो बी समस्त प्रक्रिया समाप्त हो सारी नाउ वी आर इन दिस टू मोस्ट अवेटिंग पोस्ट एनटीपीसी रेलवे एटा वर्तमान पर्यंत अनाउंसमेंट हेनी कहबार अर्थ या थिला जे कैलेंडर एनुअल कैलेंडर रे जहां मेंशन हे छी सेटा पर्टिकुलर मेंटेन हे चली छी पिला माने एग्जाम मध्ये से हिसाब रे हे चलिबो तो जो माने निजो निजर पाठपढ़ा एपर्तंत स्टार्ट करना से मैं गोटे सूचना कि से निजो निजर पाठपढ़ा स्टार्ट कर दिंतु जो माने अंडर ग्रेजुएट ऑप्टिमिस्टिक अच्छा जो माने ग्रेजुएट कोर्स ग्रेजुएट पोस्ट से माने जो माने ऑप्टिमिस्टिक अच्छा जो माने एलिजिबिलिटी अच्छी से माने ये दुईटा को समस्ते टारगेट करने दरकार एंड एज फार एज द सिस्टम इज कनसर्नड जो सब न्यूज आसूची इंटरनाल न्यूज अगस्ट शेष सुधा किंबा सेप्टेम्बर रू सेप्टेम्बर अगस्ट लास्ट सेप्टेम्बर फास्ट सुधा यही एनटीपीसी रो डिक्लेरेशन हो जावा उचित ठीक अच्छे तो से पोस्ट तो आम इनफर्मेसन दूचु जेहेतु आसी आम इनफर्मेसन देलु बट यही दुईटापी समस्ते निज निजर मानने प्राक्ट स्टार्ट करदे कथा चलतु पारामेडिकल कथा कौन कह नोटिफिकेशन रनफर्मेसन आम आपको देदेव ओपनिंग डेट 17 अगस्ट 2024 क्लोजिंग डेट देखि दिंतु एप्लीकेशन और सबमिशन डेट 16 सेप्टेम्बर 2023 यही समय सुधा ये समस्त इनफर्मेसन आपको बहुत बढ़िया भाव में मिल जाव किसी असुविधा ना कि मोर कह कथा जो मैंने समस्ते यही पर्टिकुलर कैटेगरीज अच्छा से मैंने ऑप्टिमिस्टिक हवा उचित कारण गोटे ही एग्जाम हम गोटे ही रिटेन एग्जाम 100 मार्क रोटा जब क्वालिफाई करते आप डायरेक्टली नेक्स्ट फेज जाउचंती किंतु एथरे दुईटा रिटर्न नाही पुनर्बार एही कथा आमे कहि सरचू कि एलपी जोटा थिला से समस्त जिनस प्रक्रिया समाप्त होई अप्लाई करि सारिथिबे ये मध्य सरी आमे एही जगार अछु अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड जूनियर इंजीनियर नुहे एही पोस्ट 10,884 एटा जहाँ माने न्यूज को आसूची पैरामेडिकल पोस्ट 1376 एटा मध्ये कैलेंडर भितर अच्छी मु कहूँ आरिपाई समस्ते टारगेट रे रुंतु पढ़ापढ़ी बराबर जारी रो ठीक अच्छे तो एटा होची तार ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो सब पोस्ट आसी जो सब कैटेगरीज रहा विजिबल होनी आम अलग लिखिक रखीचु यहाँ केवल आपको जनवाई ओरिजिनल जोटा मानने सैट रे जो रिक्रुटमेंट एडवर्टाइजमेंट पारामेडिकल कैटेगरीज आसी थिला कारण बहुत गुड़े फेक जिनस भी फ्लोटिंग होती चेष्टा कर ऑथेंटिक डाटा दवापाई बहुत गुड़े मानने जोड़ा सब नोटिफिकेशन आसी वायरल करने चेष्टा करमती नहीं कौन कौन पोस्ट व क्या सब कौ पदवी को दि जाइए लेवल 7 पर्यंत तमाम बहुत बढ़िया सैलरी पैकेज एंट्री करेंगे 50,000 अराउंड डाइटिशियन नर्सिंग ऑडियोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डेंटल हाइजीनिस्ट डायलिसिस हेल्थ एंड मैलेरिया इंस्पेक्टर लैबोरेटरी सुपरिटेंडेंट परफ्यूशनिस्ट फिजियोथेरापिस्ट ऑक्युपेशनल थेरापिस्ट ये समस्त पोस्ट जो अच्छी समस्त गुड़ाक भल से चेक करेंगे आजे निजर जो सब कैटेगरीज अच्छा जो मैंने समस्ते ये मेडिकल लाइन रे जो मैंने पाठ पढ़ी जो मैंने समस्ते ये पर्टिकुलर कोर्स रे अच्छा से मैंने समस्ते यहीपाई इलिजिबल अच्छा ये सब कैटेगरीज अच्छी मेडिकल स्टैंडर्ड सब आपको भी एलाबोरेट कर आसंता समय यहाँ एज ग्रुप अच्छी एज ग्रुप्रे ही से अप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सबू
सेगमेंट रो ऑल आरआरबी से सब आरआर माने रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड सब सेगमेंट रो समस्त जोन रो रिक्रुटमेंट रे एटा वैकेंसीज गुडा आसी 1376 वैकेंसीज अपर एज लिमिट देखि दियंतु एज लिमिट COVID-19 पई किछ गुडा रिलैक्सेशन अछि किंतु मो मतरे समस्ते यही पीडीएफ सहित समस्ते टिके एक्वांटेड हेबे पूरा डिटेल्स आलोचना करिवार कोनोसे आवश्यकता नाही मते लागुछि काहेकि ना आम पाखरे जहाँ भी हेले एबे सुविधा कोन होइछि मु कहि दउछि वेबसाइट रे जाई कि गोटे थर लॉगिन कला परे निजर यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कला परे एबे सुविधा होइछि एटा आगुरु नथिला कि गोटे थर मु मोर यूजर आईडी क्रिएट कली माने मोर समस्त डाटा अपलोड हेकि रहला ता माने मु जदि चाहिली सेठी एएलपी अप्लाई कली मु जदि इंजीनियरिंग पोस्ट पे एलिजिबल अछि इंजीनियरिंग पोस्ट पे अप्लाई कली ता माने सेउटु सामान्य स्प्लिट कला परे जे कोनोसी पोस्ट को अप्लाई करा जाय परिवो गोटे थर लॉगिन कला परे ये सबुटु बढ़िया काम करचंती रेलवे अथॉरिटी बा रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड रे जो माने अछंती से टीम गोटे भलो चिंताधारा रे अछि कि गोटे यूजर आईडी क्रिएट कराला इंडिविजुअल यूजर आईडी क्रिएट कराई बार बार आमको डाटा अपलोड करवा बा डॉक्यूमेंट अपलोड करिवार जो माने गोटे प्रकार एटा बहुत ही इरिटेटिंग प्रोसेस थाए कहीं समस्त डाटा समस्त डॉक्यूमेंट को रेडी कला परे अपलोड कला बेलू सेटा मेमोरी एतिकी दरकार एतिकी साइज दरकार इट्स वेरी हेक्टिक तो एथर को गोटे थर अपलोड कला परे बाकी समस्त पोस्ट पे अप्लाई करा जाय परिवो इवन दिस वन आल्सो एज एज ऑन 2025 डिटेल्स अवेलेबल इन पीडीएफ स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर डिटेल्स एटा को कुआ जाय छी कि जो हर डिटेल्स लिखा जाय छी सेई तरह सेई जोन को जीवा को पड़िवो माने सेई पीडीएफ रो सेई पर्टिकुलर पॉइंट को जाय कि हमें चेक करिय को पड़िवो मेडिकल फिटनेस तीनटा कैटेगरी रे अछि B1 B2 C1 एंड आई थिंक हां तीनटा कैटेगरी ही B1 रे को माने अछंती ना डिस्टेंस विजन ए सब थिवो B1 रे फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स डिस्टेंस विजन 6x9 6x12 विद और विदाउट ग्लासेस पावर ऑफ लेंसेस नॉट एक्सीड टू 4D ये सब मेडिकल लाइन्स लिखा जाइछि जोटा कि जनरली बुझा पड़िया पे असुविधा हबो सेति पई प्रॉपर डाटा नेला परे अप्लाई करंतु आउ एई तीनटा कैटेगरीज रे जदी आपण आसुचंती ताले आपण अप्लाई करिया पे एलिजिबल नेक्स्ट पेज रे हमको कोन इंस्ट्रक्शन अछि एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर डिटेल्स प्लीज गो टू सीएन एडवर्टाइजमेंट जीवा पई लिखाइछि मु आउ टिके तकु एलाबोरेट करि परबी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फीस कथा कहा जाइछि 500 आउ जो माने अछंती रिजर्व कैटेगरी ता परे फीमेल कैटेगरीज 250 रुपीज आप्लिकेसन आपण जाइकि वेबसाइट रे देखिला बेलकू सेठी पूरा क्लीयर इंस्ट्रक्शन मिली जाउछि आपणनकु किछ असुविधा हबनी कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू एनी आरआरबीज ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड ता माने गोटे जोन रे गोटे ही एप्लीकेशन अप्लाई करा जाय परिवो अधिका नुहे ये थिला आमर समस्त एग्जाम पैटर्नस कौन पढ़ुची आ विषय जानवा निहाती दरकार प्रोफेशनल एबिलिटी माने आपण जो पर्टिकुलर सेगमेंट रे अछन जो पर्टिकुलर सेगमेंट रे अछन ता माने आपण जदि B1 रे अछन B1 पे आपनकु जो स्पेशलाइज्ड आपनकर अछि सेही स्पेशलाइज्ड रे आपनकु 70 मार्क्स रो एग्जाम दबाक पड़ो ठीक अच्छे तब मैंने यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस नंबर ऑफ मार्क्स टोटल मार्क्स एटा दिस इज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड दिस इज टोटल मार्क्स जनरल अवेयरनेस मात्र 10 मार्क 10टा क्वेश्चन 10 मार्क ये समस्त रिजनिंग जनरल एबिलिटी और जनरल एरिथमेटिक रिजनिंग समस्त मिसिकी 10 मार्क 10टा क्वेश्चन जनरल साइंस है 10टा क्वेश्चन 10 मार्क टोटल तमाने देखंतु आपनकर स्पेशलाइज्ड कोर्स जेती अछि स्पेशलाइज्ड पार्ट आपन जोथरे स्पेशलाइज्ड अछन मेडिकल मेडिकल कोर्स रो जोथरे आपन स्पेशलाइज्ड अछन सेतरे 70 मार्क्स आपन एग्जाम देबे बाकी सब मिसी की 30 तमाने ओवरऑल इफ यू मेंटेन एज जनरल कैटेगरीज इफ यू एबल टू मेंटेन 60% प्लस 70% प्लस सो बी ऑप्टिमिस्टिक टू क्रैक दिस एग्जाम नो प्रॉब्लम तो ये थिला इनफॉरमेशन ओनली एग्जाम पैटर्नस विषय हमें कथा हले स्टार्टिंग डेट विषय हमें कथा हले क्लोजिंग डेट विषय कथा हले और नंबर ऑफ पोस्ट एतिकी थिला बट सबुठारो इंपोर्टेंट आजिरो नोटिफिकेशन ए आछि जेहेतु कैलेंडर प्रॉपर्ली मेंटेन हिजि सो आसंता NTPC अंडर ग्रेजुएट आउ ग्रेजुएट एई दुटा पोस्ट पई समस्त निज निजर बराबर प्रैक्टिस जारी रखंतु धन्यवाद।